रमेश, आप हमें कल भी जानकारी दे रहे थे, आज क्योंकि रविवार है, आज कितने उत्साह के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं रमेश? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि उड़ती गुलाल और बाबा के जयकारों के साथ खाटू नगरी में हम शाम भक्तों का आना शुरू हुआ है और आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन छुट्टी का अवकाश है। कल 5 लाख शाम भक्तों ने जहां बाबा की नगरी में अपने दर्शन किए थे बाबा के, तो आज ये मान के चलिए कि करीबन ये संख्या है वो बढ़ करके 8-9 लाख शाम भक्त यहाँ बाबा के दरबार में आज पहुँचेंगे, क्योंकि रविवार के दिन होने की वजह से आज भक्तों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हर कोई शाम भक्त नाश्ता गाजता अपनी गुलाल उड़ाते हुए हारे का सहारे का नाम लेते हुए मंदिर में पहुंच रहा है और ये विजुअल्स के दर्शक नज़रिए मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से बाबा शाम के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी है और कल रात से ही लगातार शाम भक्त हैं वो बाबा का अपना दीदार कर रहे हैं, बाबा के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएँ मांग रहे हैं। तो वहीं बता रहा चाहूँगी रिंग से लेकर के खाटू श्याम जी तक अब जो सड़क मार्ग है वो केवल पदयात्रियों से अटा पड़ा है और एक मोटे तौर पे बात करें तो 22 मार्च को ये मेला शुरू हुआ था और करीब 15 से 17 लाख श्याम भक्तों ने अब तक दर्शन किए हैं और अब ये लगातार ये मेला है ये बढ़ेगा और एकमदशी को श्याम भक्तों का जो मुख्य मेला है वो होगा। लेकिन अगर बात करें इन आज को लेकर के तो निश्चित रूप से बाबा का अच्छा श्रृंगार किया गया है। 1000 फूल कोलकाता से बाबा के लिए फ्लाइट से आए और उन्हीं फूलों से श्रृंगार किया गया है। हर कोई बाबा का दीदार है, कोई पेट पलायन पहुंच रहा है तो कोई बाबा के दरबार में जयकारों के साथ है। आज अगर खाटू नगरी की बात करें तो पूरी खाटू नगरी केसरिया धवज से अटी हुई है और बाबा के जयकारों के साथ हर कोई अपने बाबा के दर्शन करना चाह रहे हैं। बिल्कुल रमेश, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दर्शक आपके माध्यम से बाबा श्याम के सीधे दर्शन कर पा रहे हैं, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। लेकिन रमेश, यहाँ आपसे एक सवाल मेरा ये कि जब ये मेला भरता है इस दौरान किस तरह से श्रृंगार विशेष रूप से किया जाता है वो भी जानकारी चाहेंगे आपसे। मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि बाबा का अलौकिक श्रृंगार होता है और यहाँ के फूल बाहर से आते हैं जरिए फ्लाइट से और हर कोई ये चाहता है कि एक दिन का श्रृंगार मेरे नाम से हो, बाबा के फूल मेरा भी एक फूल चढ़े। और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी मैं और भी दूँ कि एकादशी का जो दिन होगा उस दिन बाबा की रथ यात्रा निकलेगी और उस रथ यात्रा को सब कोई देखना चाहेंगे, जहाँ लोगों लगता है कि हाँ बाबा नगर भ्रमण को निकले, एक ये विशेष उस दिन विशेष महत्व होगा। और इसी के साथ मैं एक बड़ा और भी बता दूं कि बाबा के दरबार में जो श्याम भक्तों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और आज ये है कि रविवार होने की वजह से काफ़ी भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुँच रहे। और रमेश, देखिए कहा जाता है कि आस्था है, विश्वास है तो सब कुछ है। आप अगर हमारे साथ कोई किस्सा साझा करना चाहें जो आपने अपनी आंखों से देखा होगा, क्योंकि वहां लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो कोई किस्सा अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें किस तरह से आस्था आपने देखी हो वहां के श्रद्धालुओं के मन में। देखिए यहाँ हारे का सहारा कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया है कि तेरे आपके दरबार में जो भी आएगा कभी खाली हाथ लौट करके नहीं जाएगा और बाबा का नारा भी यही है कि हारे का सहारा प्रभु बाबा श्याम हमारा। और निश्चित रूप से करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, बड़ा धार्मिक स्थल है, हर कोई ये चाहता है कि बाबा का दीदार करूं, मैं अपनी बात बाबा को कहूं और यहां जो भी भक्त आते हैं वो अपनी मनोकामनाएं लेते आते हैं। निश्चित रूप से भक्तों की मनोकामना है वो इस दरबार में पूरी होती है और वही कारण रहा है कि लगातार बाबा का जो मेला है वो बढ़ रहा है, भक्त हैं बाबा के बढ़ते जा रहे हैं, कहीं कोई चेहरों पे थकावट नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक और मैं बताऊं कि सैकड़ों मील दूर से पदयात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं, बाबा का निशान उनके हाथों में होता है और एक ही नारा होता है कि प्रभु हमारी जरूर सुनेगा और हमारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। रमेश, इस बार व्यवस्थाओं में किस तरह के बदलाव आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि लंबे वक्त तक मंदिर के पट को बंद भी रखा गया और वो इसी लिहाज से रखा गया था क्योंकि व्यवस्थाएं हैं वो एक तरह से जो सुविधाएं हैं वो यहाँ लोगों को अधिक मिले और एक तरह से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए, इसके लेकर के कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए थे। साथ ही साथ अब जो है बाबा के दर्शन कुछ फीट की दूरी से कर सकेंगे श्रद्धालु। इसके अलावा और कौन कौन सी व्यवस्थाएं वहां की गई हैं जो श्रद्धालु वहां जाना चाहते हैं ये जानकारी उनके लिए भी बेहद उपयोगी साबित होगी। रमेश,
बिल्कुल बताना चाहूँगा कि कल राजस्थान रोडवेज ने एक नवाचार किया, 150 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था आज से शुरू होगी और इसी के साथ एकादशी को बड़ी संख्या में रोडवेज विभाग अपनी गाड़ियां चलाएगा। राजस्व के हिसाब से भी अगर बात करें तो बड़ा मेला होता है, राजस्व की इनकी आय होती है, साथ में स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। और अगर व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो पिछली बार आपको रुकना चाहेंगे।